नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी की सूखी सब्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है अरवी की सूखी सब्जी। बेसनी अरवी बनाने के लिए आज हमने यहाँ आधा किलो अरवी ली है, जिसे हमने धो के साफ करके रख लिया है। और हमें चाहिए 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो ये 1 छोटी कटोरी गाढ़ा दही है। 1 टेबल स्पून बेसन, और जिन मसालों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरीके से हैं: 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन के कुछ दाने, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में ये अरबी डालें और इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालें। इसके बाद प्रेशर कुकर का लिड बंद करें, सीटी लगा रखी है मैंने, और अब हमें इसे गैस पर चढ़ा के उबालना है। 2 सीटी तक हमें इसे उबालना है, बहुत ज़्यादा सीटी नहीं देनी, सिर्फ 2 सीटी हमें इसे देनी है। हमने अरवी को प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसे 2 सीटी दी है, उसके बाद गैस ऑफ कर दी थी, और इसके बाद हमने इसका प्रेशर निकलने तक वेट किया है। तो अब पूरा प्रेशर निकल चुका है और मैं इसे खोल रही हूँ। और अब इस अरवी को हम पानी में से निकाल के एक प्लेट पे रखेंगे। इस तरीके का एक झारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि पानी इसी में रह जाए और सिर्फ अरवी हमें मिल जाए। अरबी को प्रेशर कुकर से निकालने के बाद हमने ठंडा होने तक वेट किया है, और अब ये ठंडा हो गया है तो इसका मैं छिलका निकाल रही हूँ। तो क्योंकि ये उबल चुकी है तो बहुत आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से इसका पूरा छिलका बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सभी अरबी मैं छील के तैयार कर लेती हूँ। अब इस अरबी के हमें पीसेस काटने हैं, तो हमें इसके गोल गोल टुकड़े काटने होंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसके टुकड़े काटते हैं, बहुत पतले टुकड़े भी नहीं काटने हैं। आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा पतले टुकड़े नहीं हैं। अब ये सभी अरबी के टुकड़े मैंने काट के तैयार कर लिए हैं, और हमें इन टुकड़ों को अब डीप फ्राई करना होगा। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है, और जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इन्हें डीप फ्राई करके निकालेंगे। तेल गर्म हुआ है कि नहीं इसके लिए मैं एक पीस इसमें डाल के देखती हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ये पीसेस डालती जा रही हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि जब अरबी के टुकड़े आप कर रहे हैं तो तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा तो ये टुकड़े टूट जाएंगे। तो क्योंकि अरबी बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इसको अच्छे गर्म तेल में ही इसे तलना होता है। ये काफ़ी गर्म तेल हो चुका है और इसे हम लाल करके भी निकालते जाएंगे। अब ये अरबी के टुकड़े आप देख सकते हैं कि अच्छे गुलाबी फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे किसी टिश्यू पेपर पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा ऑयल इसके अंदर चाहिए। तो आप इसे सादी प्लेट पर ही निकालते जाएं। और एक लॉट को फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा है तेज आंच पर। इसी तरीके से मैं बाकी के टुकड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। ये सारे अरबी के टुकड़े हमने तल के तैयार कर लिए हैं। अब ये जो दही हमने लेके रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून दही, उसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और ये तीनों चीज़ें इसमें मिला के मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल लें और इसे गर्म होने दें। अब हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरबी ऑलरेडी फ्राइड है, तो 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल सफिशिएंट है। तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं इसमें अजवाइन के दाने डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अजवाइन के दाने
इसमें पकने शुरू हो गए हैं, इसमें से अच्छी खुशबू निकल रही है। तो अब मैं इसमें ये अरवी के टुकड़े डालूंगी और इसे हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ये जो दही में मैंने हल्दी नमक पेस्ट डाल के रखा है इसे भी डाल देती हूँ। आज को मैंने थोड़ा धीमा कर दिया है और इस दही के मसाले के साथ इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। इसे चलाते वक्त ध्यान रखें बहुत आहिस्ता से चलाएं, क्योंकि अरबी जो होती है वो बहुत नाजुक हो जाती है पकने के बाद। लगभग 2-3 मिनट मैंने इसे दही के मसाले में भूना है और अब मैंने जो ये सूखा बेसन रखा हुआ है इसे मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी। एक साथ सारा बेसन हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाए। फिर से थोड़ा सा बेसन डालें फिर से इसे मिक्स करें। बाकी का बेसन मैंने फिर से इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा बेसन मैंने लिया था उसे मैंने 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और बेसन डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सूखा सूखा सा हो रहा है। बस अब हमें बहुत आंच धीमी रखनी है और धीरे धीरे इसे भुनने देना है। इसे बेसिक पे चलाते रहें और ये बस होने ही वाला है। इसको अच्छा गुलाबी होने तक हमें भुनना है और थोड़ा फैला फैला के हमें रखना है इसे भूनते वक्त। तो थोड़ा फैला फैला के इसे भूनते जाए। इसे धीमी धीमी आंच पे पकाते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसे धीरे धीरे चलाती रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि अब इसका अच्छा गुलाबी रंगत आ चुकी है। तो ये बेसनी अरबी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में खाली कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है स्वादिष्ट गर्मा गर्म बेसनी अरबी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्यंजन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारी सभी रेसिपीज हमारी वेबसाइट www.vyanbharti.com पर भी उपलब्ध है। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।